नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सबको स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल दीपक वॉयस नंबर वन में। साथियों, आज के लिए जो है हमारा टॉपिक है वो है औसत यानी कि एवरेज। क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो क्वेश्चन हमने हमारा जो PDF है ये जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखोगे तो बस मजा ही आ जाएगा। ठीक है ना, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़े से देर मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे दो, जिससे मैं उन स्टूडेंट को समझा पाऊँ जो पहले एवरेज देखा ना सुना या पहले पढ़ाई नहीं किए है ना, तो उनके समझाने के लिए मैं छोटी सी जो है बातें बता देना चाहता हूँ। देखिए, एवरेज होता क्या है? एवरेज का मतलब होता है बीच की नंबर, बीच की संख्या है। अगर आप फॉर्मूला के बेसिस पे जाओगे तो एवरेज का मतलब, एवरेज को औसत कहते हैं और औसत की फॉर्मूला होती है सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या, यानी कि ऑल ऑब्जर्वेशन है ना, ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सभी पदों का योग करेंगे और सभी को जितने भी संख्या रहेगा उनसे डिवाइड कर लेंगे तो हमारी औसत निकल करके आ जाती है। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 संख्याएं हैं, इसका औसत हमसे पूछे कि इसकी औसत जो है क्या होगा, तब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे कि इन सभी को ऐड करोगे ऐसे, और प्लस, चूंकि सभी को ऐड करने के लिए कह रहा है, योग मतलब ऐड करना, तो सभी को ऐड किए और नीचे क्या करेंगे, सभी का संख्या, 5 संख्याएं हैं लास्ट में, तो क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। टोटल संख्याएं कितनी है 5, तो 5 से डिवाइड करोगे, जब इन सबको ऐड करोगे आप तो कितना आएगा, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15 आएगा है ना। इस 15 को नीचे के इस 5 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 3 बार में ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा और इसी 3 को हम लोग एवरेज कहते हैं। इस 3 को क्या कहेंगे, एवरेज। तो इसका जो एवरेज आंसर हुआ वो 3 हो गया। ठीक है, लेकिन मन में सवाल ये है कि हम लोग GD के स्टूडेंट हैं है ना, तो जब GD के आप स्टूडेंट हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि ऐसे करने जाएंगे तो ये तो छोटी नंबर था, डिवाइड हो गया आसानी से, लेकिन बड़ी बड़ी नंबर मिलेंगे, बड़ी बड़ी क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसे करने के लिए क्या हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो में सिर्फ बन करके देखो, पूरे क्वेश्चन को एक बार देखो, पढ़ करके देखो, अगर समझ में ना आए तो फिर हमसे कहना। ठीक है, और चूंकि ये जो वीडियो है थंबनेल में आपने देखा कि कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों को साथ में हम लोग मिक्स करेंगे, तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम लोग फॉर्मूला के यूज करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन को बाय ट्रिक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। उससे पहले अब आपको ट्रिक पर बताते हैं कि ये जो है ऐसे तो हम नहीं कर सकते, बिना फॉर्मूला को कैसे आप सॉल्व करोगे, बिना फॉर्मूला को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपसे वो संख्याएं कुछ इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 6, 7 इस तरीके से नंबर दे करके पूछे कि इसका एवरेज बताओ, तब आप फॉर्मूला नहीं लगाओगे। क्या करोगे, मेरा बातें याद रखना, फॉर्मूला नहीं लगाना है, पेयर बना लेना। जितना पेयर इधर बनाओगे, जैसे इधर 3 नंबर और इधर 3 नंबर को छोड़ दिया, बीच में जो 1 नंबर बच जाता है उसी नंबर को हम लोग एवरेज कहेंगे। उस नंबर को क्या कहेंगे, एवरेज, और ये हो जाएगा इसका एवरेज आंसर 4 हो गया। इसका आंसर कितना आया, 4। ये ट्रिक कब काम करेगा, जब ये सब जो क्वेश्चन मिलेगा आपको कंजिक्यूटिव नंबर का, क्या मिलेगा, कंजिक्यूटिव। एक कंजिक्यूटिव नंबर क्या होता है, कंजिक्यूटिव का मतलब होती है क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या है ना, कंजुगेटिव का मतलब होती है क्रमागत संख्या। अब क्रमागत संख्या कैसा होगा, तो जैसे एक क्वेश्चन आपने देखा कि 1, 2, 3 एक क्रम में रहेगा, या तो फिर आपको 2 का मिल जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10 ये भी देखिएगा तो एक क्रम में है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से देखिए क्या है, सभी को में प्लस 2-2 का क्रम चल रहा है, सभी में प्लस 2 का क्रम चल रहा है। ऐसे ही वो संख्या आपका 3 का भी हो सकता है, 3, 6, 9, 12, 15
है ना। इस तरीके से मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर आपके पास क्रमागत संख्याएं मिले तब आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, बिना फार्मूला लगाए आप इसको बेहद ही आसान तरीके से करोगे। क्या करोगे, जैसे पांच संख्याएं मिल जाए तो दो इधर से पेयर लगाएंगे, दो इधर से पेयर लगाएंगे, और जो बीच वाली नंबर बचेगा ये आपका एवरेज कहलाएगा, यही आपका एवरेज कहलाएगा, आंसर हो जाती है। ठीक है, वही इस क्वेश्चन में भी देखोगे तो दो पेयर इधर से, दो इधर से लगाओगे तो ये आपका एवरेज का आंसर हो जाता है, आंसर आपका 9 हो गया। चलो, बात ये तो आया कि जब हमारा ओड टाइम में रहे, यानी कि 7 नंबर रहे, 5 रहे, 3 रहे, 11 रहे, तब हमने इस तरह से पेयर बना के बीच का एक नंबर बच जाता है। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी कुछ इस तरह से आपके सामने रख दे, कैसा, जो पेयर ही ना बने या पेयर बनने में खत्म हो जाए। क्वेश्चन जैसे मान करके चलिए कि हमने कुछ लिया इस तरह से कि 2, 4, 6, 8 है ना, 10 और ये 12, ऐसे क्वेश्चन लिया, नंबर लिया, और इसका औसत पूछे, तब जैसा कि हमने बताया कि पेयर इधर से बनाओ और पेयर इधर से बनाओ तो बीच में तो कोई नंबर बचा ही नहीं, तो बीच में नंबर है, बीच में नंबर है, कौन सा नंबर है, तो देखिए 6 और 8 के बीच में एक नंबर 7 होती है, तो ये वो नंबर हो जाएगा जो आपका पेयर कहलाएगा, ये वो नंबर होगा जो आपका एवरेज कहलाएगा। ठीक है, और इसका एवरेज आंसर क्या हो गया, तो इसका एवरेज जो होगा वो 7 कहलाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यकीन नहीं होता तब आप क्या करोगे, मान लीजिए कि किसी में जो है ऐसा नंबर भी ना आए, आपकी सारे डाउट को हम क्लियर कर देंगे यहां पर। देखिए, जैसे हम कोई क्वेश्चन लेकर के चलते हैं कि 3, 6, 9, 12 है ना, इसका एवरेज आपसे पूछे, तो अगर आप इधर से पेयर और इधर से पेयर बना लेते हो तो यहाँ पे कुछ नंबर ही नहीं बचेगा, तो आप क्या करना, एक इधर से और एक इधर से पेयर बनाए तो बीच में 2 नंबर छोड़ देना, अब बीच में 2 नंबर छोड़ करके इन दोनों नंबर के 2 से डिवाइड कर देना, तो 9 और 6 को देखोगे कि 15 हो गया, और इस 15 को 2 से जब डिवाइड करते हो ना तो कितना आएगा, 7.5, 7.5 इसका क्या हुआ, एवरेज हो जाएगा, 7.5 इस क्वेश्चन का एवरेज हो जाएगा। ठीक है, एक तो एवरेज आपने समझ गया कि एवरेज होता क्या है, अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ, अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो आपके पेपर में आएंगे, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्किन के ऊपर दिखेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्किन के ऊपर है कि इस तरह से कोई जो है नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका एवरेज हमसे पूछ रहा है तो क्या होगा, मेरे पास चूंकि वो क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं दे रहा है जो आप देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे हमारे पीडीएफ में है क्वेश्चन, क्या है वो एक बार मैं लिख लेता हूं, 7, 11, 15, P, 14 और 21 और 25 और इसका एवरेज भी दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है 15, तो पी का मान पूछा है, यही ना, पी का मान पूछा है, तो हमने औसत आप सबके लिए फॉर्मूला बताया कि सभी को योग करेंगे तो सभी को जब योग करोगे जोड़ोगे तो कितना होगा, जोड़ करके देख लो, जोड़ोगे तो होगा 5, 1, 6, 4, 10, 5, 15, 1, 16 और 7, 7, 6, 13, 3 हो गया, 23 के 3 कैरी बच गया, 2, 2, 2, 4 और 1, 5, 1, 6 और 1, 7 और 2, 9 कितना हो गया, 93, और नंबर कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर है 7, और चूंकि एवरेज दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया हुआ है 15, तो यहाँ पे एवरेज के प्लेस पे 15 को रख लिया। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 और यहाँ पे प्लस में पी एक्स्ट्रा बच रहा है ना, तो यहाँ पे पी हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब जब इसको डिवाइड करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 93 प्लस के पी तो ऐसे ही हो जाएगा, और इस 7 जो है इसके साथ नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, है ना, तो 15 से कितना होता है 105। अब इस पी के वैल्यू चाहिए तो 105 में से 93 को घटा दोगे तो आंसर कितना आएगा, पी का वैल्यू आ गया 12, तो इसका एवरेज जो हुआ वो 12 आ गया, इस क्वेश्चन का एवरेज आंसर कितना हुआ, 12।
तो इस तरीके से आसानी से आप कर सकते हो। देखिए इस नंबर में क्या था, इस क्वेश्चन में आपको कंजिक्यूटिव नंबर ये नहीं दिया हुआ है, इस वजह से हमें फॉर्मूला लगाने पड़ गया, ठीक है ना। तो आइए अगली क्वेश्चन जो है, सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो आप। दूसरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि लगातार पांच संख्याओं का औसत ये है, यदि अगली दो संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत जो है क्या होगा। देखिए लगातार पांच संख्या का औसत कितना ए है और अगली दो संख्या और लिया जा रहा है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको एक थोड़ी सी चीजें समझा देना चाहते हैं, उस बात को आपको ध्यान देना है। देखिए वो क्या बात है, जैसे मान लीजिए कि वो लगातार संख्या हम कुछ इस तरह से ले रहे हैं, पांच लगातार संख्या ले लिया, तो जब इस संख्या की अगर हमें एवरेज पूछे तो क्या करोगे कि दो इधर से और दो इधर से लगाओगे तो आपकी एवरेज जो होगा तीन हो जाएगा, आपकी एवरेज कितना हो गया तीन हो गया। लेकिन अगर इसमें कह दे कि इसके आगे दो संख्या और ले लिया जाता है तो उसका एवरेज में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे हम दो संख्या और ले लेते हैं, ये पांच तक हो गया, इसमें दो संख्या और यानी कि छह और सात ले लिया, तब इसका एवरेज क्या होगा, तो आप तीन इधर से करोगे और तीन इधर से करोगे तब इसका एवरेज चार हो गया। अब देखोगे कि पहले तीन था और तीन से हो गया चार, तो फर्क कितना क्या है, चेंजेस कितने क्या आया, एक का, है ना। क्वेश्चन में भी यही कह रहा था कि किसी भी मान लीजिए कि किसी नंबर का एवरेज ए दिया हुआ है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन में भी ऐसे ही कह रहा है। इससे हमें क्या समझने को मिलता है कि अगर आगे की दो संख्या ऐड करते हैं तो हमें प्लस एक का चेंजेस मिलता है, यानी कि हम ये रिजल्ट निकाले कि अगर दो संख्या है तो इसको दो से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल गया कि एक का फर्क दिखता है। यानी क्वेश्चन में इसमें क्या कहा कि दो संख्या को ऐड किया जाए तब कितने को चेंजेस देखने को मिलेगा, तो एक मिल गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे कह दे कि आगे का दस संख्या ले लिया जाए, इसमें आगे का दस संख्या कुछ इस तरह से लिया जाएगा, तब इसमें कितना चेंजेस होगा, तो दस को आपको दो से डिवाइड कर लेना है, ये आपका पांच का फर्क देखने को मिलेगा, आगे की संख्या में पांच को फर्क देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है कि पांच लगातार संख्या है, पता नहीं कि वो कौन है लेकिन इस तरह से वो पांच संख्याएं हैं जिसका एवरेज क्या है, ये है एवरेज, मतलब बीच की नंबर एवरेज ये है। अब इसमें इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्या को भी और ले लिया जाता है तो कितना चेंजेस होगा, तो दो संख्या को लिया जा रहा है तो दो को दो से डिवाइड कीजिए, कितना आया, एक आया, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो ए है एवरेज, इस एवरेज में एक का यानी कि एक का चेंजेस आएगा, तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, है ना, दो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन पर आइए, दूसरी क्वेश्चन क्या है कि लगातार 133 संख्याओं का औसत यह है, यदि अगले 22 संख्या को भी ले लिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। लगातार 133 संख्या है तो नंबर देख करके घबराना नहीं है, कितना संख्या को जोड़ा जा रहा है, अगली 22 संख्या को लिया जा रहा है, तो 22 को आपको दो से डिवाइड करना है, यहाँ पे ये है, इसमें क्या चेंजेस आएगा, तो 22 संख्या लिया जा रहा है तो 22 के दो से डिवाइड करिए 11 बार में, यानी कि इस ए में 11 की चेंजेस देखने को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यह हो जाता है ए प्लस 11। इतना ही आसान है, इतनी ही आसानी से आप कर सकते हो, है ना। ठीक उसी प्रकार आपका टाइप चेंज को अब करते हैं, अगले टाइप में चेंज करते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि लगातार सात सम संख्या है, लगातार कितना है, सात सम संख्या का औसत ये है, यदि अगले दो संख्या को भी मिलाया जाए तो नया औसत क्या प्राप्त होगा। अब यहां से थोड़ी सी चेंजेस है, आप लोग इसमें फंसोगे, कैसे फंसोगे कि इसलिए यहाँ पे ये सम संख्या वाले सवाल है ना। देखिए यहाँ पे सात लगातार सम संख्या है, तो सम संख्या में याद रखना, जैसे सम संख्या दो
चार छः आठ दस ये सम संख्या लिए तो इसका औसत कितना हो जाएगा, दो इधर से लिया दो इधर से तो इसका औसत छः हो गया। ऐसे ही इन संख्या में अगर दो और लगातार बढ़ा दिया जाए यानी कि इस तरीके से दो और को हमने क्या किया बढ़ा दिया तब इसमें एवरेज क्या हुआ तो तीन इधर से और तीन इधर से इधर का एवरेज कितना हो गया आठ हो गया। यानी कि इस छ से कितना की वृद्धि हुआ तो दो का वृद्धि हुआ। यानी कि यहां से हमें यह समझ में आया कि सम संख्या हो ये तो सम संख्या हो गया, सम मतलब इवन नंबर, सम मतलब क्या इवन नंबर, और अगर आपसे ऑड नंबर मिल जाए ऑड मतलब विषम संख्या, यही सवाल विषम संख्या में भी कहे तो विषम संख्या में भी आपको यही वो चीज देखने को मिलेगा। क्या रिजल्ट निकल के आया कि चाहे तो सम हो या विषम हो जितना संख्या जोड़ा जाएगा उतना ही एवरेज में चेंजेस आएगा, जितना संख्या जोड़ा जाएगा। देखिए इसमें दो और जोड़े ना तो देखिए यहाँ पे दो अंक की चेंजेस आ गया। ऐसे ही विषम संख्या में दो जोड़िएगा तो दो के चेंजेस, चार जोड़िएगा तो चार भी आपका एवरेज में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि लगातार जो है सात सम संख्या का औसत ये है, औसत क्या है सम संख्या का औसत ए, तो अगली दो संख्या को भी मिला लिया जाए तब एवरेज में क्या चेंजिंग आएगा, तो एवरेज है ए, इस एवरेज में दो संख्या को और मिलाया जा रहा है तो आंसर यही होगा, दो संख्या और मिलाएगा तो एवरेज में भी दो के चेंजेस हो जाएगा तो आंसर यहां पर ए प्लस दो हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लगातार 125 सम संख्या का औसत ये है तो अगली 12 संख्या को भी मिलाया जाए तो क्या होगा, तो 125 पूछे कितना भी पूछे उससे आपको डिपेंड नहीं रहना है, देखना क्या है कि औसत क्या है, तो औसत है आपका ये और इसमें पूछ क्या रहे सम संख्या है ना कि लगातार 25 सम संख्या 125 सम संख्या है, तो भाई सम संख्या है तो हमने भी क्या देखा कि या तो सम हो या विषम हो दोनों में जितना आगे की संख्या लिया जाएगा उस एवरेज में भी उतना ही नंबर की फर्क आती है। यानी कि इसमें कितना अगली 12 नंबर को लिया जा रहा है, अगली 12 संख्या को लिया जा रहा है तो इसका आंसर भी ए प्लस 12 ही हो जाएगा, ए प्लस 12 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना ही आसान है एवरेज, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, एक और इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। लगातार 200 क्या है, लगातार 233 विषम संख्या का औसत एम है। ठीक है, तो अगली 11 संख्या को भी मिला लिया जाए तो नया संख्या में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। अब इस बार लगातार विषम संख्या दे दिया तो अभी अभी बताया कि चाहे तो संख्या सम हो या विषम हो आपको करना क्या है उसमें जितना संख्या को लिया जाएगा उतना ही एवरेज में भी चेंजेस देखने को मिलेगा, उतना ही एवरेज भी बढ़ेगा। तो सभी संख्याओं का कितना है सम कितना दिया हुआ है एम दिया हुआ है, सभी का औसत एम दिया हुआ है। तो अब देखिए कि कितना संख्या को अगली कितनी संख्या लिया जा रहा है तो अगला इसमें 11 संख्या लिया जा रहा है तो 11 संख्या को जोड़ दीजिए, 11 संख्या को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपको आंसर, आपको आंसर हो जाएगा। बस देखते ही आंसर कर सकते हो सारे क्वेश्चन को, बस थोड़ी सी आपको रिवाइज की जरूरत है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए अच्छे से। अब टाइप को करते हैं चेंज, अब टाइप को चेंज करते हैं तो यहां पे देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन है कि पांच क्रमागत संख्याएं, कुछ पांच क्रमागत संख्याएं है इसका औसत 22 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, पांच क्रमागत संख्या है उसकी औसत कितना है 22 है। तो जब ऐसे क्वेश्चन मिले तो पांच को पांच इस तरह से आपको लाइन बनाने चाहिए, है ना, पांच क्रमागत संख्या है तो पांच ने पांच लाइन हमने ऐसे बना लिया। ठीक है, अब औसत क्या होता है, औसत कितना दिया हुआ है तो औसत दिया हुआ है 22 तो
जाहिर सी बात है कि वो जो 22 नंबर रही होगी वो इसी नंबर पर रहा होगा, क्योंकि औसत हमेशा बीच वाला होता है, दो इधर से बीच वाला औसत। क्यूचन यही कहा कि पांच संख्याएं क्रमागत है, इनको औसत 22 है, तो सबसे छोटी संख्या बताना। तो देखिए संख्या क्रमागत है ना, तो इसके आगे क्रम से जाइएगा तो 22 के बाद आएगा 23 और 23 के बाद आएगा 24। इसके पीछे आइए तो 22 से एक पीछे आइए 21 और 21 के बाद आइए 20। और पूछ क्या रहा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या आपका 20 हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये सबसे छोटी संख्या होगा, सबसे छोटी। और ये क्या होगा तो ये आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। तो अब जवाब में देखिए क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी तो छोटी पूछ रहा है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा 20। सबसे छोटी कितना हो जाएगा आंसर 20 हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरी क्वेश्चन देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्या है कि पांच क्रमागत संख्याओं का औसत जो है 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए अभी अभी बताए, सबसे बड़ी इसमें पूछ रहा है, संख्या कितनी है पांच क्रमागत है, तो पांच क्रमागत कुछ इस तरह से हमने पांच क्रमागत संख्या को ले लिया। अब औसत इसका दिया हुआ है 42, क्रमागत संख्या है तो 42 यहां पर आएगा, क्यों भाई, क्योंकि दो इधर से और दो इधर से बीच की संख्या हमारा औसत, औसत दिया हुआ है 42, ठीक है। तो इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या, चूंकि क्रमागत संख्या है तो सबसे बड़ी आई है यहाँ 43 और 44, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 44 हो जाएगी, है ना, 44 आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। इधर लिखने की जरूरत नहीं है, इधर भी आप टाइम बचा सकते हो, है ना, इधर लिख करके टाइम ही तो सिर्फ वेस्ट होगा, क्योंकि बड़ा पूछा है तो बड़ा की तरफ जाना चाहिए, छोटा पूछा है तो छोटा की भी तरफ जाते, अगर इसमें छोटा पूछा होता तो 42 से पीछे आ जाते 41 और 40, छोटी संख्या हमारा 40 हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा 44, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या को पूछ रहा है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। अगले टाइप जो हमारा है, टाइप यही रहेगा, अलग अलग क्वेश्चन आप सबको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि सात क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा ये पूछ रहा है। आसान बात है, सात क्रमागत संख्या है तो इस बार आपको सात वो लाइनें बनानी, 1 2 3 4 5 6 7, सात क्रमागत है तो हमने सात लाइनें बना लिया। अब इसका जो औसत जितना दिया रहेगा उसको बीच में रखेंगे तो औसत कितना है 33 दिया हुआ है, औसत 33 यानी कि वो नंबर यहाँ पर हमारी होगी, ये हमारी औसत दिया हुआ है, ठीक है, सात क्रमागत है, तीन इधर से तो बीच का नंबर औसत दिया है। अब पूछा क्या है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, तो बताइए ये औसत है तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी आप कहोगे कि 33 के बाद होगा 34 35 और 36, अगर 33 से पीछे होगे तो 32 और 31 और 30, तो इन संख्या में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो ये जो संख्या है ये सबसे क्या है, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा कितना आया 30 आया है, और ये जो संख्या है सबसे क्या है बड़ा है, सबसे ये बड़ा संख्या है, कितना है 36। तो इन दोनों का पूछा क्या है, अंतर पूछा है कि योग पूछा है, अंतर पूछा, तो अंतर पूछे तो घटा दो, सबसे बड़ी संख्या 36 में से सबसे छोटी संख्या 30 को जब आप घटाओगे तो आपकी जो आंसर होगी 6 हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये सही जवाब है। तो आप इसी तरीके से इतना ही आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इस समय में इनमें समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, है ना, समझ में आ गया होगा।
अग्नि के उच्चरों को देखते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अगले के उच्चन क्या है कि चार क्रमागत सम संख्या को औसत 47। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग फंसोगे, इस क्वेश्चन में आप लोग फंसने वाले हो। क्या कह रहा है कि चार क्रमागत सम संख्या का औसत 47 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्रमागत है लेकिन क्या है, सम संख्या है। तो चार क्रमागत संख्या है तो चार लाइनें तो आप ऐसे बनाओगे, चार लाइनें क्या करोगे इस तरह से आप बना लोगे, ठीक है। इसका औसत कितना है, 47 है, तो औसत 47 है तो वो नंबर बीच में रहेगा। क्यों भाई, क्योंकि दो इधर से छोड़ोगे तो बीच की नंबर हमारी औसत हो जाएगी। अब यहाँ पे सवाल ये आती है कि ये सम संख्या पूछ रहा है, तो सम पूछ रहा है तो 47 यहाँ देखिए ये 48 होगी नंबर, और 48 के बाद यहाँ पे 50 होगा। क्यों, क्योंकि 48 के बाद 50 इसलिए होगा क्योंकि सम संख्याएं हैं, और इधर हो गया 48 के पहले 46 और इधर हो जाएगा 44। क्यों, क्योंकि ये सम संख्या है, तो सम संख्या का औसत बीच का नंबर देखिए 46 और 48 के बीच में 47 आती है, और ये आपका एवरेज दिया हुआ है ना, एवरेज ये दिया हुआ है कि किसी चार संख्याएं का, किसी चार सम संख्या का औसत 47 है। तो पूछा क्या है, पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपका 50 हो जाता है, सबसे बड़ी क्या हो जाएगा 50। तो इसका राइट जवाब जो होगा 50 हो जाएगा आपका आंसर, है ना, 50 आपका आंसर हो जाता है। तो इतना ही आसानी से सभी क्वेश्चनों को कर सकते हो।